हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर के बारे में। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि हमारा लिखा हुआ है कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर, पहले हम जान लेते हैं। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था, जब आपको प्रेशर और हमने प्रेशर स्टीम का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था मैंने टेम्परेचर और इंथाल्पी के बीच में डायग्राम बताया था। तो उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि एक पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है और सब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो फिर से एक बार मैं रिगेन आपको रिवाइज करा देता हूं कि पॉइंट होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि लिखा हुआ कि द स्टीम जनरेटर इन विच द स्टीम इज प्रोड्यूस अबाउ द क्रिटिकल प्रेशर, प्रेशर कितना माना होना चाहिए 221.05 बार एंड टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज ए सुपर क्रिटिकल बॉयलर। यानी कहने का मतलब, अगर हम कोई भी वाटर को क्या कर रहे हैं, स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, अगर उसका प्रेशर इतना रखें 221.04 बार का और 374 टेम्परेचर रखें, तब हम क्या करते हैं उसके एबव रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे सुपर क्रिटिकल में काउंट होगी। और सुपर क्रिटिकल में दोस्तों होता क्या है, जो वाटर होता है हमारा वो डायरेक्ट क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट होने का मतलब, डायरेक्ट स्टीम से कन्वर्ट होने का मतलब कि नो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज रिक्वायर्ड। यानी इसमें लेटेंट हीट हमारी क्या होती है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां जो हमारा लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। और नो बॉइलिंग टेक प्लेस, और कोई भी बॉइलिंग हमारा इसमें नहीं होता, क्योंकि वाटर हमारा क्या डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपराइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा, बॉइलिंग की कंडीशन नहीं होगी। अब देखो जैसा कि एक बार ये हमारा जो ग्राफ है वो टेम्परेचर और इंथाल्पी के बीच में मैंने बनाया हुआ है। ये हमारी लाइन क्या एंथैल्पी को शो कर रही है, ये हमारी टेम्परेचर को शो कर रही है। अब ये जो हमारा कप शेप का बना हुआ है, इस तरफ का हमारा जो सारा रीजन होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, ये हमारा लिक्विड लाइन होता है। और ये जो रीजन है इसमें हमारा क्या लिक्विड प्लस वेपर दोनों रीजन मिक्स होता है। और इस तरह का रीजन, इस तरफ का जो राइट का रीजन है वो हमारा कैसा होता है, वेपर रीजन होता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो लाइन इंडिकेट शो कर रही है कि हमारा एज ए कॉन्स्टेंट पे लिक्विड प्लस वेपर रीजन को शो कर रहा है, यानी एक तरीके से हम कहते हैं लेटेंट हीट के रीजन को भी शो कर रहा है, ठीक है। बट क्या कंडीशन होती है, जब हम अगर हम टेम्परेचर को 374 डिग्री सेल्सियस कर दें और प्रेशर को 221.05 बार कर दें, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां हमारा जो लेटेंट हीट होता है वो कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। लेटेंट हीट हमारी कितनी होती है, जीरो होती है। ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, ओके, लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट हमारी कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, अगर हम इसके ऊपर, ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, अगर हम इसके अबव क्या कर रहे हैं, स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके ऊपर वाटर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इस प्रेशर से और टेम्परेचर से, तो वही हमारा पॉइंट कहलाता है सुपर क्रिटिकल पॉइंट, ओके। और अगर हम क्रिटिकल पॉइंट के नीचे काम कर रहे हैं, यानी प्रेशर हम इससे कम रख रहे हैं, टेम्परेचर कम रख रहे हैं, तो वो हमारा पॉइंट कहलाता है सब क्रिटिकल पॉइंट, ओके। सब क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, हमारा जो लेटेंट हीट है वहां फॉर्मेशन होगा, बट क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट हमारी क्या होती है, जीरो होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी बॉयलर की कंडीशन के बारे में। जैसा कि ये मैंने डायग्राम लिया हुआ सुपर क्रिटिकल बॉयलर का, अब देखो इसमें होता क्या है, ये हमारा फीड वाटर है, फीड वाटर क्या है, यहां से आएगा। अब ये पहले क्या है, इकोनोमाइजर से पास होगा। अब इकोनोमाइजर से पास होगा तो फ्लू गैसेस होंगी, इसमें वाटर हो रहा है, तो क्या करेगा, जो हीट जा रही है यहां से, जो कंबक्शन प्रोसेस है, जो हीट जा रही है उस हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। और कैसे काम करता है, ये कन्वेक्टिव सरफेस की तरीके से काम करता है। अब ये जब और आगे बढ़ता है तो ये क्या होता है, रेडिएंट की कंडीशन में आता है, यानी हम रेडिएंट सुपर हीटर करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या, इसको ज्यादा हीट मिल रही है, जो भी हमारा वाटर था, फीड वाटर था, अब वो क्या है, सुपर हीटर की कंडीशन में आ गया है, ठीक है, यानी वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होने लगा है। अब क्या है, जब सुपर हीटर से पास होता है, इसको एज रेडिएंट सरफेस कहते हैं, तो क्या होता है, फिर इसके बाद ये हमारा जाता है प्राइम मूवर में, जहां हमें क्या करना है, स्टीम को छोड़ना है, हम कह सकते हैं आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। और ये हमारा होता है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर हमारा
यहाँ लगा होता है, जो भी हमारे फ्लू गैसेस होती हैं, एयर प्रीटर का मेन वर्क क्या, यहाँ हमारा कम्बक्शन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ से जो गर्म एयर फ्लू निकलती है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके कम्बक्शन प्रोसेस की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर प्रीटर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है वर्क करता है। इसका मेन पॉइंट यही होता है कि जो भी हम प्रोसेस इसमें हम कर रहे हैं वो हम क्या करते हैं एज ए क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर करते हैं, यानी जिसका प्रेशर हमारा क्या है 221.05 बार है और हमारा टेम्परेचर जो है 374 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है सुपर क्रिटिकल बॉयलर की। ओके, देखो इसके फायदे भी क्या है दोस्तों, सुपर क्रिटिकल बॉयलर है इसमें मैं क्या है लेटेंट हीट भी वेपराइजेशन नहीं हो रही है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसमें, और हम इसमें वाटर का स्टोरेज भी नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट हम फीड वाटर को क्या करते हैं सर्कुलेट करते हैं, कोई भी यानी टैंक वगैरह नहीं रखते हैं इसमें, और हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसको सप्लाई करते हैं और डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा होता है सुपर क्रिटिकल बॉयलर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।